हाय हेलो, कैसे हैं सब लोग। मैं बैंकॉक में हूँ कुछ 6 महीने के हिसाब से। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इंडिया से क्या क्या लाना चाहिए जहाँ पे, जो आपको हेल्पफुल होगा। तो वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक ऑप्शनल और सेकंड जो होगा वो है नॉट ऑप्शनल, अगर उसको नहीं लाएंगे तो भी चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर आप ज़्यादा समय यहाँ रुकने वाले हैं तो प्रेशर कुकर जो कि इंडक्शन बेस्ड होना चाहिए वो ज़रूर आप लाना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं लाते तो मैं भी नहीं लाया था, मैंने किसी से मंगवाया है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया जो यहाँ की साइट से लाजारा वहाँ पे मिलता है, लेकिन इंडक्शन सपोज है कि नहीं वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो थाई लैंग्वेज में है और उसको हर पेज को स्क्रीनशॉट लेके कन्वर्ट करना ज़्यादा टाइम लग जाता है। डिलीवरी चार्ज आना, रिटर्न करना अगर सही नहीं है, तो इससे प्रेफर है कि आप प्रेशर कुकर लाएँ, बहुत सही रहेगा आपके लिए। जब तक प्रेशर कुकर नहीं था तो मैंने इस राइस कुकर को यहाँ पे ऑर्डर किया था। इसका इस्तेमाल किया चावल वावल बनाने के लिए, कि यहाँ पे जो बटन है इलेक्ट्रिक की वायर है उससे हो जाता है, लेकिन इसका ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे जो जल जाता है उसको कंटिन्यूसली मिक्स स्टर करना पड़ता है। एंड ये अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो बेटर है, ये कुछ खास अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो अगर आप कुकर नहीं लाए हैं तो ये आप राइस कुकर, इसमें दाल भी बनती है, मैंने बनाई है, लेकिन ज़्यादा टाइम लगता है दाल को भिगा के रखना अगर दाल बनाएंगे तो एडवांस में। एंड लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। नेक्स्ट, अगला है यूनिवर्सल चार्जर। नहीं लाएं तो यहाँ पे भी मिलता है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कुछ हमारे कॉर्ड्स लैपटॉप का चार्जर या अपना चार्जर 2 या 3 कॉर्ड्स का होता है तो वो फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे, तो ये आप ज़रूर इसको ध्यान रखें। ट्रैवल चार्जर ज़रूर लाइए। मसाले तो लगेंगे ही, 6 महीने या साल भर का आप ला के रख सकते हैं, इनको कुछ होता नहीं है। तो मैंने लेके रखे थे और बहुत काम आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप बाहर ख़रीदने जाएं तो ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन 35 बात का 100 ग्राम का आता है तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आप इसको लाएंगे तो अच्छा है आपके लिए। एक और है मसाले का बॉक्स। इसमें सभी मसाले जैसे हम इंडिया में यूज़ करते हैं, यहाँ पे टाइम बचेगा। एक एक मसाले को आप पैक करके रबर बैंड में रखेंगे, इससे बेटर है एक ही इसको लाएँ यहाँ पे, और ये काफ़ी हेल्पफुल है, नहीं तो इसमें आपका कुकिंग में टाइम बहुत बचता है। मैं खुद ने लाया था मसाले का बॉक्स, मैंने मंगवाया, लेकिन उससे पहले मैं ये डब्बे यूज़ कर रहा था यहाँ पे हर एक मसाले को अलग अलग रखा था। प्लास्टिक है तो मैं ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ प्लास्टिक का, अवॉइड करना चाहता हूँ इसलिए। और एक एक को डब्बे को खोलना बंद करना कुक करते वक्त टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ये बेस्ट है, आप इसको ज़रूर लेके आइएगा। अगला है ये मसाला पीसने का, अदरक की चाय या आप लहसुन कुछ भी पीसना चाहते हैं। तो चाय के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ये यहाँ पर मुझे नहीं मिला। एंड मैंने स्टोन को भी सर्च करने की कोशिश की, पर यहाँ पे रास्ते में कहीं पत्थर मिला ही नहीं। तो मेक श्योर आप अगर चाय के शौकीन हैं तो इसको, इसमें आप अदरक इलायची सब पीसने के लिए भी आपको काम आएगा। बेलन, ये जो बेलन है जो घर पे हम यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी थिक है, जो कि पिज़्ज़ा के ब्रेड्स को रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये साइज़ का मुझे नहीं दिखा तो मैं लेके आया, तो आप भी लेके आइएगा, रोटी पराठा बनाने में काम आता है। और रोटी या इसको सेकना हो तो उसके लिए ये, नहीं तो आप नैपकिन से भी उसको कर सकते हैं तवे के ऊपर, आपका जो भी इंडक्शन बेस्ड हो। ध्यान रखिए उससे आपकी फिंगर्स बर्न ना हो, क्योंकि पैन के साइज़ के कॉर्नर में वो टच हो जाता है। इसके लिए मैंने ये यूज़ किया, ये मंगवाया है, पहले लाया नहीं था। मेडिसिन को ज़रूर लाइएगा, मैंने एमरजेंसी से जस्ट मुझे लगे तो मैंने पुदीन हरा, क्रोसिन, बैंडेज, बोलो प्लस जो कि मल्टीपल यूज़ के लिए है, कट हुआ या शेविंग के वक्त या बर्न हुआ उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आपकी और भी मेडिसिन होंगी तो वो भी आप इंडिया से लेके आ सकते हैं, वो अलाउड है आपके बॉक्स में लेके आना, मेडिकल किट में कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉरेक्स कार्ड, ट्रैवल कार्ड जिसे कहते हैं, मैं सारा करेंसी कैश नहीं लाया था, बाकी इसमें लोड किया हुआ था, इसको 1 टाइम ही लोड कर सकते हैं थाई बात में, क्योंकि ये मेरा तभी ट्रैवल वीज़ा था और बाद में फिर अलाउड नहीं है, कुछ रूल्स हैं उसके, तो एक ही बार में इसको मैं लाया था। इनिशियली बहुत काम का आया क्योंकि इस पर वीज़ा है, ये शॉपिंग में काफ़ी काम आता है, इसे आप अपने ग्रोसरीज जैसे कि लोटस शॉप में जाकर ले सकते हैं, बिक्सी में जाकर ले सकते हैं, जहाँ पर भी वीज़ा एक्सेप्ट होता है टैप एंड पे है, इसको ले सकते हैं, इसके ऐप में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है इसको। ये थी ज़रूरत की चीज़ें जो आपको लानी चाहिए, जो अभी जस्ट मैंने शेयर किया। और भी चीज़ें होंगी जो अगर मैंने मिस की होंगी तो आप कमेंट में करना, काफ़ी हेल्पफुल है। अब वीडियो का सेकंड पार्ट जो कि ऑप्शनल, अगर आप उसे नहीं लाएं तो भी चलेगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में वो काफ़ी हेल्पफुल था, तो जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे वॉशिंग मशीन के बाज नहीं मिलेंगे, जो अगर मिलेंगे, अगर आपको कपड़े हाथ से धोने हैं अपने देसी अंदाज में, तो फिर ये ज़रूर लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिलेगा इंडियन शॉप पे बहुत महंगा है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन में अगर आप धोते हैं तो वो पाउडर और लिक्विड के यूज़ होता है, तो वो आपके ऊपर है, इसलिए इसको मैंने ऑप्शनल कैटेगरी में रखा है। चाय पत्ती मैं लेके आया था और टी बैग्स भी लाया था, क्योंकि टाइम कभी कभार नहीं रहता तो टी बैग सही रहता है, टाइम बचाता है कि चाय बनाने के लिए। और
टी पाउडर इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम कुछ 30 बात का आता है और उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, इसलिए मैं प्रेफर किया कि लेके आऊँ। तो ये आपके ऊपर है, आपको लाना है या नहीं लाना है, इट्स टोटली अप टू यू। नहीं लाएंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, आयन भी आप ला सकते हैं, नहीं लाए तो यहाँ पे मिलेगा। नहीं तो आप अगर आप लॉन्ड्री में बाहर करवाएं आयन दे, कुछ 20 या 30 बात लगता है पर शर्ट का, तो महंगा पड़ेगा। इससे बेटर है आप ले लें, अगर नहीं लाएँ तो यहाँ पर बिक्सी या अच्छे आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो इतना महंगा नहीं है और काफ़ी हेल्पफुल है, छोटा ही है, आपके वापस लेके जाने में भी इजी होगा, ज़्यादा जगह को नहीं लेता। रेडी टू ईट MTR और गिट्स का मैं लेके आया था, जिसमें दाल मखनी, पनीर टिक्का, पालक पनीर, शाही पनीर, ये सारी चीज़ें लेके आया, क्योंकि कभी कभार टाइम नहीं मिलता। ये 100% हेल्दी तो नहीं है, इसमें ऑफकोर्स प्रिजर्वेटिव है, लेकिन टाइमिंग के लिए सही है। कभी कभार आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं लेता है कुकिंग के लिए, और तो ये टाइम बहुत बचाता है। इसे जस्ट ओपन करना है, इस पर इंस्ट्रक्शंस पीछे हैं कि आपको माइक्रोवेव में करना है या तवे पे गर्म करके स्टीम में इसको पकाना है। एक बार खोलने के बाद आप मेक श्योर करें उसे जल्द से जल्द उसे कंज्यूम कर लें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, मुझे बहुत टाइम बचाता है इसमें। तो ये आप ला सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं लेकिन इनमें हमेशा आप नहीं जा सकते, तो आपके ऊपर है, इसलिए इसको मैंने ऑप्शन में रखा है। तो ये था वीडियो जो कि 2 कैटेगरीज में था कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें आपको लानी चाहिए और यहाँ पे जो मिलती है नहीं मिलती है, मैंने शेयर किया अपने हिसाब से। कुछ चीज़ें रह गई हो शायद, अगर आपका बेटर सजेशन है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है तो उसको कमेंट करके बताइए। और ये मेरा एक्सपीरियंस था और इससे काफ़ी टाइम बचा है जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करते रहूँगा, एक रहेगा इंग्लिश में, एक रहेगा हिंदी में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक, थैंक यू।